हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव पिकनिक। और आज मैं कोलाज बनाऊंगी फ्रेंड्स। यस, और भी चार्ट पेपर से। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत जल्दी बनता है फ्रेंड्स। और वैसे फ्रेंड्स, ये साल ईयर ख़त्म होने जा रहा है हमारा, तो जितनी भी हमारी मेमोरीज है, मेरी मेमोरीज है, वो सब मैंने तक कलेक्ट करके रखी हैं और उन्हीं का मैं कोलाज बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, कोलाज बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। चार्ट पेपर ब्लैक और एनी कलर, फेविकॉल, पंचिंग मशीन, ये फ्रेंड्स ग्लिटर है, ग्लिटर टेप, फोटोस, सीजर एंड ग्लिटर अल्फाबेट्स एंड फ्लावर्स। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, हमारी लेट्स सी स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये पूरा ब्लैक चार्ट पेपर है और अब मैं इसको हाफ डिवाइड करूंगी। और फ्रेंड्स, मैं डिवाइड क्यों करूंगी ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये अब हम इन दोनों साइड से ये और ये हम टेप लगाएंगे। ये हम पूरा ऐसे दोनों साइड से फ्रेंड्स हमें टेप लगा लेंगे। यहां से कट कर लेंगे, इन साइड में भी लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी दोनों साइड में ऐसे टेप्स लग चुके हैं। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है। तो ये ऐसा है फ्रेंड्स। अब मैं बताती हूँ, मैंने हाफ फोल्ड क्यों किया था फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम ये हमारी जो ये दो टेप है, ग्रीन और पिंक, हम इसे कॉन्ट्रास्ट में लगाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि ग्रीन इधर तो ग्रीन इधर, पिंक इस साइड सो पिंक इस साइड फ्रेंड्स। तो हम पहले हम ग्रीन करेंगे हाफ, हम वापस फोल्ड कर लेंगे। अब हम पहले ग्रीन लगाते हैं। सो पहले हम इस साइड जो है ये ग्रीन लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा था, इसे हमने सिल्वर कर दिया है। अब हम ये पिंक टेप, हमने साइड पिंक टेप पूरा लगा दिया है फ्रेंड्स। अब इसको मैं पूरा ओपन करती हूँ। सो ये देखिए, अब इस साइड हम पिंक लगाएंगे और इस साइड हम सिल्वर लगाएंगे, क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट में कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहले मैं पिंक लगाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पूरा ऐसे टेप हमारा डेकोरेट हो चुका है और आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और अब हम इसे अगेन हाफ फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। एंड नाउ ये हमारा जो अल्फाबेट है और हमारी एक पिक्चर, हम इन दोनों को साथ में स्टिक करेंगे। कैसे? ये फोटो को बीच में हम लगा लेंगे और इसे लिखेंगे न्यू एंड देन इसे ईयर। सो अभी ये फोटो पे ग्लू लगाकर हम इसे मिडिल में स्टिक करेंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे सो दैट हमारी ये पिक्चर स्टिक। सो फ्रेंड्स, ये ऐसे स्टिक हो चुकी है और हम इसमें से इसको पहले ओपन करती हूँ मैं। सो अब हम इसमें से लेटर्स लेकर हम उसमें न्यू ईयर लिखेंगे पूरा। और थोड़ा फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे से लिखेंगे। ऐसे ही हम इस साइड जो है न्यू के साथ ईयर भी लगाएंगे। इस साइड जैसा हमने ईयर न्यू लगाया, वैसे हम इस साइड हम ईयर लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पूरा ये न्यू ईयर ऐसे स्टिक होकर ऐसा लग रहा है। और हम अब इसी साइड में ये सारी फोटोज हम ऐसे स्टिक कर लेंगे।
So let's start sticking our pictures. सारी फोटो स्टिक कर लेंगे। ऐसी करके फ्रेंड्स हम सारी हमारे जितने भी ये फोटोज हैं हम ये सब स्टिक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हमने सारी फोटोज स्टिक कर ली है विद द न्यू एंड ईयर। ये देखिए, और आप सोचेंगे इतनी स्पेस मैंने क्यों छोड़ के रखी है, क्योंकि मैं इधर एक सेंटेंस लिखूंगी, मतलब मैं इधर लिखूंगी वी लव यू, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप वही लिखो। इसलिए और ये जो इतनी सारी स्पेसेस छुट्टी हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइड से टेप लगा कर रखा हुआ है, तो हम ऐसे ही इतने हर जगह जो जितने भी गैप्स होंगे हमारी फोटोज के बीच में हम वहां पे टेप लगाएंगे। और ज्यादा कोई ब्रॉड स्पेस होगी तो आपको मैंने ये फ्लावर्स का दिखाया था, हम यहाँ पे फ्लावर्स स्टिक कर सकते हैं, जैसे कि इस साइड ब्रॉड है, इस साइड ब्रॉड है, इस साइड ब्रॉड है, इस साइड थोड़े बहुत जगह हम ब्रॉड ब्रॉड फोटो ब्रॉड ब्रॉड स्पेस दी है मैंने, ताकि मैं ये सारे फ्लावर्स चिपका सकूं, स्टिक कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट हम पहले टेप लगाएंगे फिर हम ये फ्लावर का काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टिकिंग आवर टेप। सो फ्रेंड्स हमने इसमें पूरे पे टेप लगा लिया है और फ्लावर्स लगा लिया है, आप देख सकते हैं इसे। अब जो ये स्पेस है हम इसको भी जल्दी से कवर करके कर लेते हैं। ऐसे करके फ्रेंड्स हमें पूरा वी लव यू लिख लेंगे फ्रेंड्स, ये हमने लिख लिया है फ्रेंड्स। अब इस पे हम हमारा ग्लिटर स्प्रिंकल करेंगे, अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने ये इसे पूरा ग्लिटर की तरह से कवर कर लिया है, अब हमें 2 मिनट्स तक रुकना पड़ेगा, फिर हम इसे हटा देंगे। फ्रेंड्स हमने इधर ये ऐसे प्लास्टिक सा रैप रख लिया है ताकि कहां जैसे हम इसे निकालेंगे सो ये इसमें आएगा, बड़े ही आराम से हम इसमें निकालेंगे। और इसे संभाल कर हम बाद में रख देंगे। फ्रेंड्स हमें इसे हैंग करने के लिए इस साइड से पंच करेंगे हम इसे। सो फ्रेंड्स हमारा हमने ऐसे करके इसे होल्ड कर दिया है इसे, और हमारा पूरा कोलाज कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स आपको ये कोलाज कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले कि कब मैं ऑनलाइन आ जाऊं, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स इन एडवांस।